सबसे पहले इस्लाह के लिए क्या होना चाहिए? तो इस्लाह के लिए सबसे पहले तो खुद की इस्लाह होनी चाहिए कि दूसरों की इस्लाह से पहले। तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले कि नीयत खालिस होनी चाहिए, रिया नहीं होनी चाहिए कि अभी जाओ जैसे जाता हूँ अभी इसको चिंदेबोटी कर देता हूँ, इसे दलाइल फेंकता हूँ, रिया नहीं होना चाहिए। उसके अंदर खालिस अल्लाह के लिए कि अल्लाह ये तेरा बंदा है और ये भटक गया, मैं इसकी इस्लाह करना चाहता हूँ तेरी रजा के लिए, तब सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, उसके अंदर रिया नहीं होना चाहिए। नहीं तो सही तिर्मिजी की रिवायत है, हमने कितनी बार हमने सुनी होगी उसको, हदीस नंबर 2382 कि जो जहन्नम की आग जो सबसे पहले दिखाई जाएगी वो सबसे पहले दिखाई जाएगी आलिम से, यानी चिंगारी जो होगी ना जो टीली जलाई जाएगी तो वो एक आलिम होगा और एक शहीद और एक अल्लाह की राह में खर्च करने वाला जकात इससे देखा जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आलिम किस लिए बना? ताकि इसलिए बना ताकि लोगों को दिखाए कि यार लोग मेरी वाहवाही करें, यार कितना इल्म है, हर मसाइल के बारे में बता देता है। तो रिया किया तो अल्लाह कहेगा तूने जो किया था तो दिखाने के लिए करता था तो हमने वो तुझे दे दिया दुनियाई के अंदर, तो तेने रिया के लिए हमारे लिए तो किया ही नहीं, तो उसको जाओ जहन्नम में। इसी तरह शहीद का मामला होगा, इसी तरह जो है ये जकात देने वाला का मामला होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म इसलिए हासिल ना करो कि तुम जाहिल से बहस करो, इसलिए इल्म हासिल ना करो कि भाई इल्म हो गया तो अब जाहिल से जाके तुम बहस करो, अरे तुमको कुछ पता ही, देखो फला जगह ये लिखा फला जगह वो लिखा और तुम उससे बहस करो। तो खालिस के हाँ मेरा भाई ये गलती पर है और मैं इसकी इस्लाह करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि बस चलो इसको ये पकड़ में आ गया जिसके मज़े लेंगे अब, ऐसा नहीं होना चाहिए। खालिस अल्लाह के लिए हमको करना चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि गलती जितनी बड़ी होगी वक्त उतना ज़्यादा लगेगा, जितनी बड़ी गलती होगी उतना ज़्यादा लगेगा। तो गलती जितनी बड़ी तो उतना वक्त ज़्यादा, और हमारा मामला ये होता है कि नहीं गलती जितनी बड़ी तो हम अरे जान दो उनका मैं शिर्क कर रहा, अरे शिर्क वो तो ऐसा ही है वो तो फला है और शिर्क के अंदर मुलवी से पूरा ख़ानदान उनका और ये सब है फला है, जान दो उनको तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनका अल्लाह हिदायत ही नहीं दे सकता, ये हम फैसला हमारे कर देते, वही हिदायत देना नहीं देना वो अल्लाह के हाथ में, हम अल्लाह के रसूल सल्लम उनके चचा के लिए नहीं कर सके तो फिर हम कौन से खेत की मूली है फिर जब हम किसी के लिए फतावा दे दें कि इसको हिदायत नहीं मिलेगी, ये नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे जिसको दे, अल्लाह ने जो बड़े बड़े थे उस वक्त भी दिया, अबू सुफियान आखिरी में 20 साल बाद फिर ईमान लेकर आए, पूरी 20 साल तक वो लड़ते रहे मुसलमानों से लेकिन बाद में लाए ईमान, तो अल्लाह चाहे जिसके लिए आसानी पैदा कर देता है उसको। तो हम ये ना कि बस ये शिर्क कर रहा तो जाने दो इसका मामला छोड़ दे, जितना ज़्यादा बड़ा वो उसकी गुनाह है या जितनी बड़ी चीज़ें तो उससे ज़्यादा वो उसको हमको टाइम देना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा उसमें वक्त लगता है। अगर उसके अंदर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि नहीं कि हम ये देख रहे हैं कि यार ये छोटी गलती हमने उसको पकड़ लिया, ये भी हमारी गलती है, कोई बिद्दत कर रहा है गलत है तो उससे बहस कर रहे हैं बिद्दत के ऊपर ही बस तुम वो फिर ख़त्म, ऐसा हो रहा है कि तुम जहन्नमी और तुम्हारे खानमी और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि नहीं मैंने साहब मैं सही दीन पर आ गया, मेरे को सही समझ आ गई, अब इससे मैंने किया चाचा से बोला चाचा ने मना किया चाचा से बात बंद, मामू से किया मामू से बात बंद, खाला खाला से बात बंद, ये दोस्त को किया इससे बात बंद, पड़ोसी से बात बंद, सबसे बात बंद, सबसे बहुत अगर नहीं चाचा से बात नहीं करता, ये मुशरिक ये काफिर ये लानती ये मनून और ये फलां ये रिश्तेदार ये पड़ोसी ये वो से, और अकेला मोमिन बन के जेब में हाथ डाल के घूमता है, मैं अकेला मोमिन सारे के सारे मुशरिक दुनिया के अंदर और ये अकेला ही मोमिन, तो ये इसलिए दीन नहीं आया। जबकि ये मामला तो ऐसा है कि हम देखते हैं कि खुतबों के अंदर हर खुतबे के अंदर ये आयत पढ़ी जाती है तमाम मस्जिदों के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू अत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमुतुन्न वअन्तुम मुस्लिमून, के लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो वो रिश्ते तोड़ने से बचो, सबसे पहले ये पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाओ उससे डर रखो और रिश्ते तोड़ने से बचो। उसके बाद कहा कि मरते दम तक मुसलमान रहना, यानी कि रिश्ते जोड़ने वाला ही मुसलमान होता है, उसके बाद चौथी में उसमें लेके आए और कुरान में कई जगह पर आए रिश्ते तोड़ने से तो मना किया है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको वो करें। वो दूसरी चीज़ ये कि तासुब ना रखे किसी को दावत देने में, ये तो लोग तासुब रखे तासुब से और तासुब के तुम्हारी फलां टोपी फलां कपड़े पहनते हो ये जुब्बा ये कर रहा है तुमने ये कहाँ से लिया है वो करे, तासुब की दावत तासुब नहीं होना चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तासुब की दावत दे वो हम में से नहीं है, जो तासुब की दावत देता है कि भाई हम ही हक पर है हमारा ही मसलक सही है तुम सब सारे गलत सब जहन्नमी, ये तासुब नहीं होना चाहिए। जिसने तासुब की दावत दी बनाई कर दिया अल्लाह के रसूल ये तो हमें से ही नहीं, हमें से नहीं मतलब क्या उम्मत में से नहीं फिर, या फिर मुसलमान नहीं फिर मोमिन नहीं है फिर, तो ये हमको।
तो लोगों और इसी तरह जो है लोगों के मर्तबे का ध्यान रखें, छोटा है तो उसकी इस्लाह अलग होगी, बड़ा है तो उसका इस्लाह अलग होगी, मस्जिद का इमाम है, वालिद है हमारे तो उनकी इस्लाह अलग होगी, और जहन सबका अलग अलग होता है तो उसके जहन को भी हमको समझ कर इस्लाह करनी पड़ेगी, तो सब उसका सबका तरीका अलग अलग होता है। और कोई आदमी आपकी नहीं भी सुनता है तो दूसरे के जरिए पहुँचाना, ये उसके अलग इस्लाह का तरीका होगा। तो इंसान के साथ सब सब है, पैसे वाला है उसका भी, गरीब है तो उसका भी, ये नहीं कि लोग ऐसा तो करते हैं कि पैसे वाला है तो उसके सामने सर उस्ताद हजरत वो गरीब दिख जाते हो इधर आ दे देख रहे हम बता रहे हैं ये सही है गलत है, लोग वहाँ पर फ़र्क करते हैं, अमीर है तो उसकी उसके लिए वो अलग है और इसके लिए अलग, अखलाक तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और छोटी गलती है तो ये भी हम ध्यान रखें कि जब भी छोटी गलती कोई कर रहा है और उसके अलावा उसके अंदर बड़ी गलतियाँ हैं तो हम छोटी गलती पर बहस करके उसकी जो है हम ये सा ना करें कि बातचीत का हम मौका गंवा दें और वो बड़ी के अंदर मुलविस रहे। कोई छोटी गलती कर रहा है तो उसके अंदर छोटी गलती में मत रखो, ये भी हिकमत का एक तरीका है। एक आदमी नाच रहा है शादी ब्याह के अंदर, यह कोई आदमी है जो ढोल बजा रहा है, मुख्तलिफ हमारे त्यौहार आते हैं मुहर्रम के अंदर ताजी निकल रहे ढोल बजा रहा है और एक नाच रहा है शादी के अंदर, हम जाके अरे ये क्या तुम ऐसे काम कर रहे हो मुशरिकाना तरीके, ये तो सब यहूद और नसारा के तरीके हैं और ये तो ना सारे मामला, तो अब वो खुमारी के अंदर उसके ऊपर तो खुमारी चढ़ी हुई शादी की वो नाच ही जा रहा है और आप उसमें जाके करेंगे तो खुमारी के अंदर नहीं सोने का वाला चले जाए यार यहाँ से आना मदद के बाद, तो वहाँ उसको छोड़ा जाएगा क्योंकि उससे बड़े चीज़ में मुलविस है वो शिर्क करता है। तो उसके लिए हमको छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा ताकि हम उस पर उससे बातचीत कर सकें, फिर छोटे मसले पर आएंगे। तो तरतीब का भी हम उसका ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आदमी जो है अब मान लो एक आदमी शिर्क करता है तो शिर्क के अंदर मुलविस हमको मालूम है कि अरे गैरुल्लाह की न्याजे कर रहा है, गैरुल्लाह के लिए खाने बनाता है, गैरुल्लाह से मांगता है, गैरुल्लाह के सारे प्रोग्राम करता है, सारे वो कर रहा है और हम उसके अंदर वो हमारे पास में छोटा सा एक बिदत का कुछ काम लेकर आ गया भाई, उसके वालिद वालिद का इंतकाल हो गया आपके पास में आए लो भाई सिन्नी चने खाओ आप सेम के, और हम कहते हैं मेरे पास लेके आ गया तू, मैं तो मालूम नहीं मैं खाता हूँ क्या, ये ले जाए यहाँ से भग जाए यहाँ से। अब वो शिर्क कर रहा है कभी कहीं पर, आप उसके पास जाएँ कि भाई ये शिर्क है तो बोले जाओ देख लिया पहले हमने तुम्हारा अखलाक, तो छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करेगा, नहीं ले आप उसके अंदर मना कर दे कि भाई देखो हम ये फला फला मसला हम नहीं लेंगे और आप अफसोस जाहिर करें, तो ये चीज़ें हमको करना है। तो फिर ये भी चीज़ें हमको देखनी, ये भी हिकमत का तकाजा है कि हम छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें एक बड़े मसले के लिए कि बड़ी चीज़ में हमको इसकी इस्लाह करना है, और इंसान की फितरत देखकर उसका जहन देखकर उसकी इस्लाह की जाएगी।